इसलिए सब कुछ लौट आई। अम्मी, अबुआ, मेरा मतलब उनका रवैया कैसा था आपके साथ? सब कुछ समेट कर लाई, सब मेरा, तुम्हें उसे कोई लेना देना नहीं। अम्मी प्लीज ऐसे मत बोले। इधर आए, ऐसी बातें मत करें प्लीज। इधर बैठे। यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अब जो x की वैल्यू इधर आ जाएगी, और जब ये इधर आएगा तो x माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और जब 1 प्लस करेंगे तो फिर हमें जाके x की वैल्यू मिलेगी। और एज इट इज जैसे लिखा हुआ वैसे करना है। अब इसका मुझे सॉल्व करके बताओ। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। आपी राफेल बस अभी अभी आया पढ़ाने के लिए। मैंने तुम्हें मना भी किया था लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई ना। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं कोई गैर तो नहीं हूं ना? नहीं राफेल, तुम मेरे बहुत प्यारे भाई हो, लेकिन जोया खुद पढ़ लेगी। मैंने इसकी बात एकेडमी में कर ली है और फॉर्म भी ले आई। आपको मामा ने कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर तुम तकलीफ मत करो। अपनी किताबें सबमिट होने जाओ। राफेल तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। नहीं आप, इसकी जरूरत नहीं है। शहजाद तू मुझे ये बता, ये तूने क्या तमाशा लगाया है, हैं? और क्यों इस बदनामी की पोटली को दोबारा घर में रख लिया तूने? अम्मी आप दादी बनने वाली हैं। ना, औलाद के खातिर सारे जमाने की कालक अपने और मेरे मुंह पे लगवाएगा तू, हैं? अम्मी बस थोड़ा सा सबर कर जाए, मैं कह रहा हूँ। जवान बहन तेरी घर में बैठी है और तू मुझे सबर की तलकीन कर रहा है? अम्मी आप क्या मुझे बेवकूफ समझती है? जितने धोखे सोले और सायरा आंटी ने मुझे दिए अब नहीं देंगे। अब आप देखें मैं इनके साथ करता क्या। बस आप कुछ दिन थोड़ा सबर कर लें, बर्दाश्त कर लें, मैं आपसे कह रहा हूं। शहजाद मुझे लग रहा था कि आपको आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मुझे ये भी लग रहा था कि शायद औलाद का सुन के आप अपने दिल से इन सारी गलत फहमियों को निकाल दें, लेकिन नहीं, गलत सोचा था मैंने। अभी भी तेरी माँ का किरदार ना।